Hello friends, welcome back to my channel Good Morning to Good Night. I am Vaidehi Manju Yadav, Personality Development Trainer. Friends, इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाई हैं, होममेड थिंग्स के ऊपर बनाई हैं, पर्सनल थिंग्स के ऊपर बनाई हैं और ड्रेसेस के ऊपर बनाई है मैंने. इससे पहले की मेरी वीडियो थी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के ऊपर, वो आपने लर्न कर ही ली होगी. आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है होमोनिम्स. होमोनिम्स किसे कहते हैं? जो वर्ड एक जैसा साउंड करते हैं बट उनके मीनिंग्स और स्पेलिंग्स अलग होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं होमोनिम्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एल्यूजन और इल्यूजन, इन दोनों की स्पेलिंग और मीनिंग दोनों के अलग हैं. मैं आपको बताती हूँ. ए डबल एल यू एस आई यू एन, एल्यूजन मीन्स जिक्र करना, और इल्यूजन ई डबल एल यू एस आई यू एन, इल्यूजन मीन्स भ्रम. तो फर्स्ट एल्यूजन को हम यूज़ करेंगे. हिज पोएट्री हैज ऑलवेज एन एल्यूजन ऑफ फॉल्स लव. इल्यूजन भ्रम, उसको हम यूज़ करेंगे. डोंट बी अंडर इल्यूजन दैट ही लव्स यू. नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टरनेट. ऑल्टरनेट मीन्स एक छोड़ दूसरा, उसी से मिलता जुलता है ऑल्टरनेटिव, विकल्प. ऑल्टरनेट को हम यूज़ करेंगे. द क्लास मीट ऑन ऑल्टरनेट डेज. ऑल्टरनेटिव को हम यूज़ करते हैं. देर इज नो ऑल्टरनेटिव बट टू अटेंड द क्लास. नेक्स्ट वर्ड है एंटीक. ए एन टी आई सी, एंटीक. एंटीक मीन्स मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, कार्य करना. इसको हम यूज़ करेंगे. द एंटीक एक्शन ऑफ जोकर मेड अस लाफ. नेक्स्ट एंटीक जो वर्ड है ए एन टी आई क्यू यू ई, उसका मीनिंग है पुराना व कीमती. शी ब्रॉट एन एंटीक पीस ऑफ ज्वेलरी फॉर रिपेयर. नेक्स्ट वर्ड है अपोजिट. अपोजिट मीन्स अति अनुकूल, उसी से मिलता जुलता है ऑपोजिट. ओ डबल पी ओ एस आई टी, विपरीत. अपोजिट को हम यूज़ करेंगे. योर गेस वाज क्वाइट अपोजिट टू हर अराइवल. और ऑपोजिट को हम यूज़ करेंगे. He stood in election opposite me. Next word है बेल, B-A-L-E. बेल, बेल means रुई की गांठ, उसी से मिलता जुलता है B-A-I-L, बेल, जमानत. तो फर्स्ट बेल को हम यूज़ करेंगे. 20 bales of cotton have been dispatched. और B-A-I-L को हम यूज़ करेंगे. He has been released on bail. Next word है beat, B-E-A-T, beat. Beat means मारना. दूसरा बीट है बी डबल ई टी, बीट. बीट मीन्स चुकंदर, जो हम सैलेड में खाते हैं. बीट को हम यूज़ करेंगे. हु वाज दैट दैट बीटिंग ड्रम इन द पार्टी. नेक्स्ट बीट को हम यूज़ करेंगे. बीट इज ईटन रो इन सैलेड. सो फ्रेंड्स, बीट दोनों की स्पेलिंग अलग है. बी ई ए टी बीट मीन्स मारना, बी डबल ई टी बीट मीन्स चुकंदर. नेक्स्ट वर्ड है बीच, बी ई ए सी एच. बीच मीन्स समुद्री किनारा. और दूसरा बीच है बी डबल ई सी एच, बीच मीन्स ट्री. तो बीच को हम यूज करेंगे. दे वर फाउंड सन बाथिंग ऑन द सैंडी बीच. और बी डबल ई सी एच, बीच मीन्स ट्री. बीच प्रोड्यूसेस वेरी शाइनी लीव्स. नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट, ए डबल सी ई पी टी. एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना. आई कॉन्ट एक्सेप्ट दिस फेटल चेंज. दूसरा एक्सेप्ट है ई एक्स सी ई पी टी, के सिवाय या बजाय. उसको हम यूज़ करेंगे. मार्केट ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे. सो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए यूज़ करिएगा और मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा. ये एक दो बार आपको रिपीट करने से लर्न हो जाएंगे और आपकी फ्लुएंसी में काम आएंगे. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है बर्थ, बी ई आर टी एच, बर्थ. बर्थ मीन्स रेल या समुद्री जहाज में सोने का स्थान. तो उसको हम यूज़ करेंगे. थैंक गॉड वी हैड गॉट द बर्थ रिजर्व्ड. और नेक्स्ट वर्ड है उसी से मिलता जुलता है बी आई आर टी एच, बर्थ मतलब जन्म लेना. तो जन्म का समय बी आई आर टी एच ऐसा. प्लीज मेंशन हेयर योर डेट ऑफ बर्थ. नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक, बी आर ई ए के, ब्रेक. ब्रेक मीन्स तोड़ना. और दूसरा ब्रेक बी आर ए के ब्रेक. ब्रेक मीन्स गति अवरोधक. तो फर्स्ट ब्रेक को हम यूज करेंगे. हु हैज ब्रोकन इन द through the window glass. Who has broken the window glass? Next brake को हम use करेंगे. The brakes are applied to stop a vehicle. Next word है cast. Cast, C-A-S-T. Cast means डालना. We must cast the vote. हमें vote डालना चाहिए. उसी से मिलता जुलता है C-A-S-T. Cast means जाति.
सी इज फ्रॉम अपर कास्ट। फिर उसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है कॉस्ट, सी ओ एस टी कॉस्ट, कीमत। गेट द मोबाइल फोन एट द कॉस्ट ऑफ ओनली ₹20,000। चेक, नेक्स्ट वर्ड है चेक, सी एच ई सी के चेक, चेक मीन्स रोकना। द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग टू चेक अनसोशियल एक्टिविटीज। उसी से मिलता जुलता दूसरा चेक वर्ड है सी एच क्यू यू ई, जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसको हम बोलेंगे द चेक मस्ट बी डिपॉजिटेड इन द बैंक टूडे। नेक्स्ट वर्ड है डेयरी, डी ए आई आर वाई, डेयरी। और उसी से मिलता जुलता है डायरी, डी आई ए आर वाई। केवल आई का फर्क है, डेयरी में बाद में लगाए के बाद और डायरी में पहले है। तो फ्रेंड्स डेयरी को हम यूज़ करेंगे वी आर प्लानिंग टू ओपन ए डेयरी, और डायरी को डू यू राइट द डायरी। नेक्स्ट वर्ड है डिल्यूड, डिल्यूड मीन्स धोखा देना, डी ई एल यू डी ई। और डाइल्यूट पानी मिलाकर पतला करना, डी आई एल यू टी ई, डाइल्यूट। नेक्स्ट वर्ड है डेजर्ट, डी ई एस ई आर टी, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। और उसी से मिलता जुलता है डेजर्ट, केवल एस का एक एस और ऐड हो जाएगा, डी ई डबल एस ई आर टी। खाना खाने के बाद जो हम स्वीट खाते हैं उसे हम बोलते हैं डेजर्ट। डाई, नेक्स्ट वर्ड है डाई, डी आई डाई, डाई मतलब मरना है, मर जाना। सेम दूसरा वर्ड है एक जगह साउंड करेगा, डी वाई डाई, रंगना। नेक्स्ट वर्ड है इवॉल्व, विकसित होना, ई वी ओ एल वी ई। और उसी से मिलता जुलता है इन्वॉल्व, आई एन वी ओ एल वी ई, इन्वॉल्व मतलब शामिल होना। सो फ्रेंड्स ये वर्ड्स एक जैसा साउंड करते हैं बट इनका मीनिंग और स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंसी के समय ये हमें बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर वर्ड हमें यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स इन वर्ड्स को ध्यान में रखते यूज़ करिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।